और फाइनेंशियल एडवाइजर्स, पर्सनल एडवाइजर्स, ओके। और लास्ट स्ट्रेटजी किसकी है? Buy and pray, last strategy. Okay. So when I got into stock market, I was using the same strategy. ठीक है, तो ये सारी चीजें देखो और last में कुछ नहीं समझ में आया तो buy and pray. Yes. This is the way how everybody enters in the market. मतलब सभी की जर्नी इसी तरह से होगा. But still अगर ऐसा कुछ अभी तक आप कर रहे हो तो दिक्कत है, तो problem है. इसका मतलब stock market अभी तक आपको समझ में नहीं आया है. So what I'll do is एक थोड़ा सा basic concept समझाता हूँ कि stock market किस तरह से चलता है and how you can make money in the market. ठीक है? So everybody with me? Yeah. Want to know how it works? Yeah. Okay. Next. So stock market में अगर आपको trading करनी है तो दो principles follow करना है. या तो आप fundamentals follow करो या तो आप technicals follow करो. Okay. I was very weak student in school. ठीक है? बहुत average marks आते थे. Why? Because मुझे कभी भी अकाउंट समझ में नहीं आया. फाइनेंशियल स्टेटमेंट राइट, इसलिए एक्सपर्ट हो गया. हाँ, इसलिए मैं एक्सपर्ट हो गया क्योंकि स्कूल में मैं बहुत वीक स्टूडेंट था. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इफ यू वांट टू ट्रेड फंडामेंटली तो आपको कंपनी की बैलेंस शीट रीड करने को आना चाहिए. हाउ मेनी पीपल इन दिस रूम नो टू रीड द बैलेंस शीट? सो हाउ यू विल मेक मनी? सिंपल. गॉट द आंसर? ठीक है, तो ये स्कूल आपके लिए नहीं है. Because you don't know how to read the balance sheet. Okay. Who should get into fundamentals? Is anybody who knows how to read the balance sheet? मतलब अगर आपको कंपनी की बैलेंस शीट समझ में आती है तो आप फंडामेंटल्स का रास्ता पकड़कर आगे बढ़ सकते हो इस इंडस्ट्री के अंदर. ओके. किसको करना चाहिए फंडामेंटल्स? जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं और रखने की जगह नहीं पता है. फंडामेंटल्स इट्स अ श्योरिटी. It's okay. जाने का चांस हमें तो आने के बारे में सोचना है.